स्वागत है आपका मैथ के सीरीज में। तो देखिए, अभी हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव का वीडियो 2019 तक का कर लिया है, फर्स्ट सीटिंग तक, और 2019 का सेकंड शिफ्ट बाकी है, उसका करेंगे। लेकिन मैं सोच रहा था, मैं आपको क्या बोला था कि आपसे आपका मैं ऑब्जेक्टिव 50 में 50 करा दूंगा, आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इस बात पर आपको थोड़ा सा अब हमसे विश्वास, हम पे विश्वास आप करेंगे, ठीक है ना। लेकिन मैंने आपसे भी बोला था कि मैं समय रहेगा तो आपका सब्जेक्टिव कराऊंगा, तो मैं सोचता हूँ कि अब सब्जेक्टिव का थोड़ा सा श्री गणेश किया जाए, शुरू किया जाए, क्योंकि सब्जेक्टिव थोड़ा बहुत प्रोसेस लंबा हो जाएगा, क्योंकि सब चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं सब्जेक्टिव में। और आपको मैं ऐसा पढ़ाऊंगा कि मतलब और कुछ नहीं आता है तो वहाँ से जीरो से आप सीखेंगे, आता है तो अच्छी बात है, और नहीं आता है तो फिर आप यहाँ पर सीख जाएंगे। तो थोड़ा हमें पढ़ाने में थोड़ा समय लगता है, ऑफलाइन भी क्लासेस चलाता हूँ तो मेरी हर चैप्टर में समय लगता है। लेकिन मैं आपसे याद दिला दूँ कि अभी जो दिसंबर का महीना चल रहा है, अब तक लगभग हमने सारे विषय का मैंने समाप्त कर दिया जो मेरे कोचिंग में क्लासेस हैं। यहाँ पे सिर्फ SST में थोड़ा सा कुछ बच गया है, बाकी हमने साइंस का पूरा और हिंदी संस्कृत का अंतिम चल रहा है, मैथ का पूरा कंप्लीट कर दिया हूँ, रिवीजन चल रहा है सिर्फ। तो आपका मैं देखिएगा जनवरी तक, एग्जाम के पहले तक आपको मैं अच्छा खासा मैथ बना दूंगा। आपको कुछ नहीं आता तो आप अच्छा मैथ सीखेंगे यहाँ से, और आप किसी को सिखा पाएंगे, मेरा मकसद यही रहेगा कि आप किसी को सिखा पाएंगे। चलो मैं त्रिकोणमिति का जब हम शुरू करते हैं, तो त्रिकोणमिति में आप पहले देखिएगा त्रिकोणमिति है क्या। त्रिकोणमिति की अगर हम लोग बात करें कि ये बनाया क्यों गया, तो ये देखिए, जैसे मतलब कि कोई यहाँ कोई व्यक्ति खड़ा है और कहीं ऊंचाई पर देख रहा है, तो उसकी दूरी निकालने के लिए त्रिकोणमिति का मतलब बहुत सारा महत्व होता है। तो उतना हम लोग चैप्टर लंबा होता है, डिस्कशन नहीं करेंगे जो, लेकिन इसका मेन बेसिक चीज़ है जो आपको जानना बहुत जरूरी है, उसका हम बात करेंगे। देखिए, आपको दिख रहा होगा ये भी त्रिभुज है और ये भी एक क्या है, त्रिभुज है। लेकिन आप इसमें डिफरेंस नोटिस कर रहे होंगे कि यहाँ पे कौन, एक बार चलिए यहाँ पर तो लंब यहाँ हो जाएगा, लंब तो फिक्स है कि यहीं पर बनेगा, लंबवत जो होती है रेखा पे। आपको देखिए इसमें एक बात आप नोटिस करें कि एक बार कौन यहाँ बनाया गया होगा, सी के पास बनाया हूँ कौन, एक बार वही कौन अब ए के पास गला है, चला गया है। त्रिभुज ABC है, त्रिभुज ABC है, सिर्फ डिफरेंस है कि कौन बदला है इसका, यानी एंगल बदला है, थीटा बदला है। तो देखिए इसका फर्क क्या होता है। अब देखिए मैं एक बात बता दूं आपको, एक बात याद रखिएगा कि त्रिभुज में आपका थीटा बदल जाने से आपका प्रभाव होता है लंब और कर्ण, लंब और आधार पड़ता है, कर्ण पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कर्ण क्या हो जाएगा, AC। त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा होती है वही कर्ण होता है। तो आपको देखिएगा नोटिस कीजिए ना, कर्ण देखिए सबसे बड़ा भुजा कौन दिख रहा है, इससे भी बड़ा, इससे भी बड़ा, ये क्या कर्ण है, इसको आप क्या बोल सकते हैं, कर्ण। इसको आप सिंबल में आप H के माध्यम से याद रखेंगे, हाइपोटेन्यूस इसका पूरा नाम है। अब देखिए आपको सिर्फ एक ही बात सीखना है कि इसमें आपको आधार और लंब ढूंढना है। मैं आपको टेक्निक सिखा रहा हूँ, ट्रिक सिखा रहा हूँ कि आप सिर्फ आधार को पकड़िए, लंब तो पता चली जाए, क्योंकि तो कर्ण फिक्स हो गया सबसे बड़ी भुजा। अब सिर्फ इसमें आप एक आधार ढूंढना सीख लीजिएगा तो जो बच जाएगा वही लंब होगा। तो आधार का इसको मानेंगे, अगर यहाँ 90 का कोण है लंब, यहाँ 90 है समकोण यहाँ है, और उसके सामने जो जहाँ भी कोण दिखाया गया, यहाँ सामने दिख रहा है ना, अर्थात इसके सामने ये कोण है, तो यही आधार हो जाएगा। यानी आधार क्या हो जाएगा, BC क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, BC क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। आधार को आप किससे डिनोट करेंगे, बी से डिनोट करेंगे, बेस से। अब क्या बच गया, मैं बताना त्रिकोणमिति में वो तीन चीज़ से मतलब है, कर्ण, आधार और लंब से, और जो बच गया वही लंब होगा, इसमें कोई माथा पीछे वो करना ही नहीं है। चलिए अब यहाँ इस त्रिभुज में देखते हैं, कर्ण तो नहीं बदलता है क्योंकि जो सबसे बड़ी होगा वही कर्ण होगा, तो यहाँ भी कर्ण क्या हो गया, AC कर्ण हो गया। अब चलिए मैं थीटा देखिए, मैं बोला हूँ कि आधार कैसे पकड़ेंगे, थीटा के सामने का कोण, थीटा यहाँ है, सामने कोण यहाँ नहीं है, यहाँ है, अर्थात ये आधार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अब आधार क्या हो जाएगा, AB, आधार क्या हो जाएगा, AB, और BC क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। आपने क्या सीखा यहाँ पे कि त्रिभुज में दो चीज़ें बदलती हैं, लंब और आधार, कर्ण नहीं बदलता है। और इसका हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पे कर्ण कौन है, तो AC, कर्ण कौन है, AC, इसको हम अब H लिख देते हैं, हाइपोटेन्यूस। आधार, आधार क्या हो जाएगा, आधार हो गया BC। AB क्या हो गया इस त्रिभुज में, AB हो गया, इसको दो पार्ट में कर देते हैं, इस वाले की बात करते हैं। AB हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर AB लंब का काम करता है, AB क्या है, लंब है, लंब को क्या लिखते हैं, परपेंडिकुलर। चलिए इस त्रिभुज में बताइए कर्ण क्या हो गया, कर्ण आप उसी को मानेंगे जो सबसे बड़ी भुजा है, यानी अर्थात इसी ही कर्ण है। फर्क क्या हुआ, थीटा बदला, यानी थीटा यहाँ था, थीटा अब यहाँ दिख रहा है, तो अब सिर्फ क्या बदल गया, आधार लंब बदल गया। अब कोई पूछेगा कि आपका आधार कौन है, तो अब यहाँ आधार बताएंगे, अब आधार आपका AB हो गया इस त्रिभुज के माध्यम से, त्रिभुज सेम है, ठीक, थीटा बदला है दोनों में, तो यहाँ आधार क्या हो गया, अब AB हो गया, लंब क्या हो गया, यहाँ BC हो गया। क्या बदला, जहाँ BC पहले क्या था, आधार था, अब वो BC किसका काम कर रहा है, परपेंडिकुलर का, परपेंडिकुलर लंब का,
जब ये भी यहाँ पे परपेंडिकुलर था वो भी अब क्या बन चुका है 20। किसका कमाल था? सिर्फ थीटा का कमाल था। जब थीटा यहाँ बना कौनसी के सापेक्ष, तो आधार इसको मानते हैं। अब यहाँ के सापेक्ष इस सामने सामने के जो 90 के सामने जो थीटा बनेगा कौन, वही। अब मैंने बताया, मैंने उम्मीद करता हूँ कि आप इस बात को समझ गए होंगे। चलिए अब चलते हैं इसके सूत्र वाले दुनिया में। चलिए देख लेंगे एक बार, सूत्र के दुनिया में आते हैं। ये सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से देखिए आपको मैं त्रिकोणमिति बोलता हूँ, बहुत इसमें थोड़ा सा मेहनत कीजिए। आप देखिए इसमें 8-10 दिन मेहनत कीजिए कंटिन्यू, इससे फायदा होगा कि आपके मैथ में बहुत बड़ा इफेक्ट लगेगा ये नंबर, क्योंकि त्रिकोणमिति से ही आप जानते हैं कितने नंबर मिल जाएंगे, 30 या 40। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चेक कीजिए 2021 वाला, देखिएगा। आप सिर्फ त्रिकोणमिति का नंबर जोड़िएगा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिला के, आप नोटिस करेंगे 30 या 35 नंबर के लगभग 40 नंबर पूर जाता है वहाँ से, सिर्फ त्रिकोणमिति चैप्टर से। और मैं आपको ऐसा पढ़ा दूंगा कि आप यहाँ से मतलब बिल्कुल भूलेंगे नहीं। बहुत आसान चीज़ है त्रिकोणमिति में, किसका मजा है, किसका इसका जो भी इसमें बाजार है, फार्मूला का खेल है इसमें। चलिए साइन का फार्मूला क्या होता है, P/H, यानी इसको क्या कहेंगे। अब मैं आपको ट्रिक भी सिखाया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये साइन कॉस टेन का सूत्र हो जाता है, जो जैसा मन करे आपको अब याद होना चाहिए। अब ये ट्रिक से याद कीजिए, कुछ भी से याद कीजिए। चलिए कोशिक का फार्मूला क्या हो जाएगा, हिंदी में भी लिख दिया हूँ और इंग्लिश, पहले यहाँ से आप सारे फार्मूलों को नोट कर लेंगे, ठीक है ना। एक बार मैं वीडियो आपको धीरे धीरे करता हूँ, इससे ज़्यादा आपको सूत्र पढ़ना ही नहीं है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे, ये तो सारे सूत्र पूछ ही लिए जाते हैं एग्जाम में, हर एग्जाम में एक क्वेश्चन यहाँ से रहता है, साइन माइनस नब्बे क्या होता है कॉस, चाहे पूछिए कॉस माइनस नब्बे क्या होता है साइन, एक ना एक यहाँ से सूत्र रहता है, एक इसमें भी से रहता है, गारंटी है कि इसमें भी से रहता है। और ये तो मैं आपको जादू वाला नंबर दिया हूँ, इसको आपने याद कर लिया ना, तो त्रिकोणमिति का पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप बनाएंगे, सबसे पहले आप बनाएंगे। और अंत में मैं बोलूँगा सबसे आखिरी में, भाई मेरे सबसे इम्पोर्टेंट और इम्पोर्टेंट तो ये है, त्रिकोणमिति में कुछ भी खराब नहीं है, सारे सूत्र को आपको कंठस्थ दिमाग में होना चाहिए, फिर मैं आपको हीरो बनाऊंगा इसमें। ये आप इसको याद करेंगे, जैसे भी आप याद कर लीजिए, साइन 0.0, 30 के मान, 1/2 कॉस के मान 1/√2, 60 के √3/2 कॉस 90, साइन 90 के मान 1। अब इसको उल्टा लिखते हैं, 1 यहाँ लिखिए, 3 यहाँ लिखिए, अब 45 में बराबर होता है दोनों का, फिर यहाँ 1/2 लिखिए और 0 के यहाँ लिखिए। यहाँ बहुत सारा ट्रिक, इसका भी ट्रिक होता है, लेकिन ट्रिक से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपको याद करना ही पड़ता है, इसका पूरा याद होना चाहिए। कोसेक 30 का मान क्या होता है 2, कोसेक 45 का मान, पे यहाँ से कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए फिर से एक बार दिखाता हूँ, आप एक बार और देख लीजिए सूत्र को, जितने हैं फार्मूला यहाँ से आपको तो 4-5 नंबर फार्मूला आपको देखे चले जाएंगे एग्जाम में, ये समझ लीजिए फ्री का नंबर है, आपको पता है जब पूछता है तो उसको याद कर लेना चाहिए। चलिए वीडियो लंबा हो जाएगा, अब चलते हैं प्रश्न के पास, जिसका मैं आज इसको हम लोग नाम देंगे त्रिकोणमिति टाइप 1। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, त्रिकोणमिति टाइप 1 एकदम बेसिक से पढ़ाऊंगा, 0 वाला क्वेश्चन, जहाँ से 2-2 नंबर के पूछे जाते हैं, ठीक है ना। आज आपका समझिए 2 नंबर या 4 नंबर का, आज समझिए कि इस वीडियो से आपको 10 नंबर काम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से 5-6 नंबर सूत्र से आ जाएंगे, आपको मैं बताऊँगा कैसे आएंगे। और आपसे मैं जो क्वेश्चन बनाना सिखा रहा हूँ आपको, वहाँ से 2 या 4 नंबर क्वेश्चन वहाँ से बन जाएंगे आपसे एग्जाम में, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए समय लंबा ना हो और वीडियो छोटा बन जाए, कम समय में आपको मतलब अमृत के समान कोई चीज़ मिल जाए, इसके लिए मैं देखिए मैं कितना मेहनत किया हूँ। पहले सारे क्वेश्चन जो एक टाइप से है ना, एक सीरीज वाले को मैं इकट्ठा किया हूँ क्वेश्चन बैंक से, फिर उसको बना दिया हूँ आपको। लेकिन ऐसा मत समझे कि हमको आता नहीं है, कि मैंने पहले से बना के आपको समझाने आया हूँ, ऐसा नहीं है। मैं आपको देखिए ऐसा समझाऊँगा, आपको समझने से मतलब आपको समझ में आ जाएगा, और आप इस बात को समझते होंगे कि आपको नोट्स बनाने में सहायता मिलेगी। मैं देखिए इसका मैं ट्रिक बताऊँगा, इसको आप छोटा से कैसे बनाएंगे, ये तो बेसिक पूरा हो गया कि इसको बनाते कैसे, ठीक है ना। देखिए पहले क्या दिया गया आपसे, बोला है क्वेश्चन में कि 15 cot A = 8 हो तो साइन ए या कोसेक के मान हो क्या हो। अब एग्जामिनर क्या करेगा ना, परीक्षा में दे देगा कि 7 tan θ का मान इतना बराबर 8 है, तो बाकी त्रिकोणमिति में कितने चीज़ें आपने पढ़ा, 6 चीज़, साइन कॉस टेन कॉट, साइन कॉस टेन कोसेक से कॉट, यानी 6 अनुपात हैं इसके, 6 जो है इसको त्रिकोणमिति अनुपात को इसको याद रखेंगे। अब देखिए कुछ ना कुछ जरूर देगा, एक दे देगा ना तो बाकी 5ों में से किसी का पूछ लेगा। यहाँ कॉट का मान दिया है कि कॉट 15 cot A = इतना है, तो अब साइन और इसका मान निकालिए। आप जानते हैं कि इसमें हमको कॉटे दिया है, तो कॉट बाहर करेंगे, कॉटे कहाँ किया हमने, बाहर किया, तो देखिए पहले क्या था 8 था, तो 8 यहीं रिपेयरगा। लेकिन आपको पता है कि 15 गुना में है तो कहाँ जाएगा, भाग में जाएगा। अब आप कॉट का फार्मूला सेट कीजिए, मैं आपको कॉट का फार्मूला भी दिखाया था, वहाँ से आपने याद कर लिया होगा उम्मीद करता हूँ। कॉट का फार्मूला होता है B/P, क्योंकि टेन का उल्टा होता है, टेन का होता है P/P, तो इसका B/P। अब देखिए बी का मान क्या हो जाएगा 8 और पी का मान क्या हो जाएगा 15, सामने सामने। अब इसको आप के मान लीजिए, तो इसमें भी के लगा दीजिए और इसमें भी के लगा दीजिए, लगा सकते हैं आप लिख दीजिएगा B/8 के और P/15 के, ठीक है ना।
तो आपको देखिए त्रिकोणमिति में तीन चीज़ें आपने सीखा, लंब, आधार, कर्ण। तो आपको क्या पता हो गया, बेस यानी आधार पता है और लंब पता है, कर्ण नहीं मालूम है। तो कर्ण का सूत्र लगाएंगे, जो मैं यहाँ पर तीनों सूत्र दिखा दिया हूँ, देख लीजिए। इसी तीन सूत्र को आपको याद रखना है। एच मतलब क्या बताया था, मैं आपको कर्ण बताया था। तो कर्ण का सूत्र होता है अंडर रूट पी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि पाइथागोरस का सूत्र होता है कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है एच का स्क्वायर जो होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। इसको बी समझेंगे, ये बी लिखा है, ठीक है ना। पी वाला सूत्र याद रखिए, लंब वाला सूत्र याद रखिए, रूट में एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डायरेक्ट इसी को लगाइएगा, क्योंकि पूरा आपको पाइथागोरस को याद करने की जरूरत नहीं है, उन्हीं का सूत्र है। इसको थोड़ा वैसे हम लोग इसको थोड़ा विकसित रूप में लिखे हैं तो ऐसा हुआ है। अरे भाई सब क्लीन हो जाए वीडियो, चलिए क्लीन हो गया। आधार का सूत्र क्या होता है, रूट में कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, ठीक है ना। इसी तीनों से हम काम बनाएंगे यहाँ पे सवाल में। तो देखिए क्वेश्चन क्या था हमारा, तो आपको पी आधार मालूम था, कर्ण मालूम था, लंब मालूम था, कर्ण का सूत्र लगा दिया अपने पी स्क्वायर बी स्क्वायर। तो अपने के माना था, तो इसमें भी के, देखिए यहाँ पे के छोड़ दिया हूँ, आप के लगा लीजिएगा। आप जब फिर बनेगा तो इसमें भी के लिख दीजिएगा और यहाँ भी के लिख दीजिए, क्योंकि के माना हो तो यहाँ एक लाइन बढ़ा के लिख दीजिएगा कि बी बराबर 8 के और पी बराबर 15 के, यहाँ एक लिख लीजिएगा, एक लाइन अपने से बना लीजिएगा। अब चलिए इसका स्क्वायर कीजिएगा प्लस स्क्वायर स्क्वायर कीजिए। पी के मान कितना है 8, तो 8 के स्क्वायर, और बी के माना अपने, बी का मान कितना है आपका पी के स्क्वायर, तो पी के मान कितना है भाई 15 के, तो 15 के स्क्वायर बी स्क्वायर, तो बी के मान क्या है 8, तो 8 के स्क्वायर। 15 का स्क्वायर क्या होता है 15 225, 28 क्या होता है 64, दोनों को जोड़िएगा तो कितना आएगा 289, और 289 जब रूट में है यानी वर्गमूल में है तो इसका वर्गमूल कितना होता है 17, और यहाँ के 2 था तो पता है ना कि जब वर्गमूल में स्क्वायर से रूट कट जाता है, यानी इसका तो स्क्वायर 17 का स्क्वायर होता है तो 17 लिखेंगे, और के स्क्वायर में खाली के लिखेंगे, ठीक है ना। आपका कर्ण पता हो गया इतना है। अब आपसे पूछा क्या है, साइन ए का मान बताइए, साइन ए का सूत्र क्या होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब का मान कितना है आपका है 15 के, कितना आया है देखिए, लंब का मान क्या है 15 के, यहाँ लिख देते हैं इसको रुकिए। चलिए मैंने यहाँ इसको थोड़ा अति लिख दिया आगे बढ़ा के दैट इम्प्लाइज ला के दैट इम्प्लाइज, क्योंकि जब के माना तो दोनों में मैं के लगा दिया, आप ऐसे कर सकते थे। अब चलिए क्या हुआ, अब सिर्फ मान बैठा है तो थी पी का मान इतना है और एच का मान नोट कर लीजिए इतना है, के से के कट जाएगा, क्या बचेगा आपका सिर्फ यहाँ 15 बचेगा, और ये यानी साइन ए का मान कितना गया 15/17। सेक का पूछा है, सेक का सूत्र लगाइए क्या होता है एच बटा बी, यानी कर्ण बटा आधार, कर्ण का मान 17 के आया है और आधार कितना है 8 के, कैसे के कट जाएगा, ये दोनों आपका आंसर हो गया, ये और ये आपका फाइनल आंसर। अब चलिए इसको छोड़िए, दो नंबर छोड़िए, इसका टाइप टू में हम लोग पढ़ेंगे, आइए एक उस पर सवाल है, एक टाइप से पढ़ेंगे ना तो आपको मज़ा आएगा पढ़ने में और आपको बनाने में रुचि होगी। मैं बोलूँगा देखिए पहले इस क्वेश्चन को देखिए, आप खुद से बनाइए इस क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन ले लीजिए कॉट थीटा बराबर 7/8, तो इतना इतना का मान क्या होगा, एक बार अपने ट्राई कीजिए, नहीं बनता है तो फिर इसका सहारा लीजिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपसे नहीं बनेगा, आप 100% इसको बना सकते हैं। फिर भी चलिए मैं सोल्यूशन बताता हूँ, कॉट ए को मान दिया है कितना 7, यहाँ पहले 7/8 दिया है, देखिए यहाँ क्या दिया था, यहाँ वैसा नहीं दिया था कि यहाँ 8/ कितना है हमारा 8/15 है ना, तो 8 यहाँ था क्योंकि 15 गुना में था, इसके लिए यहाँ ऑलरेडी ही दे दिया है 7/8। तो अब इसमें कोई आपको टेंशन नहीं निकाले, सूत्र लगा देना है। मैं इस देखिए इस क्वेश्चन का मैं ट्रिक से बताता हूँ कैसे बनाएंगे छोटा, मैं जब बनाना होगा तो जब आप हम पे भरोसा किए हैं तो मैं आपको दोनों रास्ता सिखाऊंगा, एक तो पूरा बेसिक से मतलब जहाँ पे पूरा डिटेल से बनाना है किसी को समझाना है, और एक ट्रिक से जहाँ से कम समय में किसी क्वेश्चन को कहीं बाजी कोई लगा दे कि कम समय में तुम कैसे बनाओगे तो उसका भी ट्रिक सिखा रहा हूँ। चलिए तो कितना हो गया कॉट थीटा बराबर इतना, ठीक है आपने कॉट इसका फार्मूला लगा लीजिए कितना हो जाएगा, कॉट का फार्मूला क्या होता है पी बटा बी, तो इसका होता है बी बटा पी, ठीक है ना, यानी बी का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से हम लिख लेंगे कॉट थीटा, यहाँ कॉट का स्क्वायर दिया है ना, अच्छा चलिए चाहे डायरेक्ट बना लेंगे ऐसा ही आ जाएगा इसका आंसर। देखिए अब देखिए 1 + sin² θ इंटू में दिया 1 - sin θ, बटा में दिया 1 + इसका मान पूछा है क्या होगा। अब अभी बताइए देखिए यहाँ क्या हो गया, ये इसको आप ए समझ लेंगे और इसको बी, तो ये क्या हो गया ए प्लस बी, और इधर क्या है ए माइनस बी, तो इसका सूत्र क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए का मान क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर, बी का सूत्र है माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस का माइनस, बी का मान क्या है sin²θ, यहाँ भी वही फॉर्मूला लगेगा कि ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी, सेम वही फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, sin² करेंगे तो sin² हो जाएगा, थोड़ा रात है ना वीडियो, चलिए अब दिखता होगा सब, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, cos² cos²। अब आप बताइए कि 1 - sin²θ आपने क्या देखा मेरे सूत्र में, आपने देखा होगा cos²θ होता है, अब 1 - cos²θ क्या होता है, सर्दी से परेशान हो भाई,
इसका 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 फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए मैंने आपको सूत्र दिखाया था, सूत्र दिखाऊंगी जब मैंने आपको दिखाऊँ वीडियो। अब सूत्र में बहुत कमांड कीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट का मान क्या दिया है साइन थीटा 7/8, यहाँ क्या है स्क्वायर आया है, दोनों पर स्क्वायर चाहिए, 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64। इसका 2-3 विधि है बनाने का, एक विधि और है, यहाँ क्या करेंगे आप कॉट का सूत्र लगेंगे B/P, एच का मान निकाल लेंगे, फिर यहाँ वापस रखेंगे मान वही आएगा, दोनों का आंसर एक आएगा। लेकिन यह थोड़ा क्या है सुविधा है इसको, ऐसे बनेंगे ना इसको एच निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, कर्ण का निकालने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसको हम सॉल्व कर रहे हैं तो खुद ये कट बन जा रहा है, क्या बन जा रहा है कट, और कट का मान दिया ही है, सिर्फ यहाँ स्क्वायर में आता है तो स्क्वायर कर दीजिए। तो यहाँ यहाँ एक बहादुरी काम होगा हम लोग के लिए, समझदारी काम, इसके लिए मैंने आपके लिए ये प्रोसेस अपनाया है। एक और विधि से बनाएंगे आंसर वही आएगा। चलिए तीसरा प्रश्न आपके लिए क्या लिया हूँ, 2-3 क्वेश्चन को मैं पूरा आपको बेसिक से समझा रहा हूँ, बाकी थोड़ा वीडियो लंबा ना हो जाए। अब चलिए एक क्वेश्चन आप बना सकते हैं, कॉस ए का मान दिया है 3/4, तो पूछा है साइन और टेन का मान बताइए क्या होगा। तो चलिए कॉस का देख, जब भी आप त्रिकोण ये सब सवाल बनाइएगा ना, तो एक त्रिकोण एक चित्र बना के जिक्र जरूर कर दीजिएगा, एक ट्रिंगल जरूर बनाइएगा, समकोण त्रिभुज यहाँ समकोण कर दीजिएगा, और जहाँ थीटा बोले वहाँ अपना सिर सेट कर लीजिएगा, क्योंकि आपको पता हो गया कि आप जब यहाँ थीटा लेंगे, देखिए एक सापेक्ष पूछ रहा ना, एक सापेक्ष यानी कौन कहाँ बनेगा, एक के पास बना दीजिएगा, अभी आपका आधार हो जाएगा और ये आपका लंब हो जाएगा, एक कर्म तो फिक्स है। तो पूछा है कि कॉस ए का मान इतना है तो बाकी का दो साइन और टेन का मान बताइए क्या होगा, कॉस का फार्मूला सेट कीजिए, क्या होता है B/H, और मान कितना दिया है 3/4, आपने इसको क्या मान लिया के मान लिया, तो क्या हो जाएगा बी का मान 3K हो जाएगा और एच का मान क्या हो जाएगा 4K। आपको बी पता हो गया, एच पता हो गया, पी चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए। पी का फार्मूला आपने क्या देखा था, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर रूट में, एच का स्क्वायर कीजिए तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और माइनस का माइनस बी का स्क्वायर कीजिए तो बी के मान क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9K² 16 में से 9 घटाएंगे कितना हो जाएगा 7K² 7 का वर्गमूल लेते तो 7 रूट में फंस जाएगा, और के 2 है तो 1 जोड़ा बाहर हो जाएगा तो 1K आ जाएगा। पी के मान क्या आ गया आपका फाइनली √7/K। अब लिख सकते हैं इसको यहाँ पर सेट करना चाहेंगे तो पी क्या होता है लंब, यानी इसका मान क्या आ गया √7K। अब त्रिकोणमिति और त्रिभुज के तीनों भुजाएं पता हो गई तो दुनिया में कोई आपको रुकने वाला नहीं है कि आपको कोई भी सवाल का आंसर अपना बता पाए कुछ भी, लेकिन जब तक आपका तीनों एंगल तीनों भुजा पता नहीं है तब बहुत मुश्किल होती है, अब कोई नहीं बना पाएगा। जैसे हमको तीनों भुजाएं प्राप्त हो गई, अब हमको कोई दुनिया में फ़ायदा नहीं हुआ कि हम लोग को जो पूछा, अब देखिए मैं यहाँ पर लिख दिया 2014 में पूछा गया प्रश्न है, जितना क्वेश्चन लिया हूँ सब आपके VBI प्रश्न है, एक भी मतलब फालतू सवाल नहीं लिया हूँ जो ना पूछा गया हो, जो जो सवाल बोर्ड में पूछे गए हैं मैं उनसे ही लिया हूँ और उसी के आधार पर सब सब पूछे गए हैं। देखिए ये भी सवाल ऐसे ही बन रहा है, ये भी ऐसा ही बन रहा है, ये भी सवाल यही था, ये सब एक जैसे सवाल हैं। सिर्फ क्या होता है ना, मान अब कभी हो सकता है आपसे कुछ और पूछ दे, यहाँ साइन दे देगा और 5/6 दे दे, बाकी पूछ ले, प्रोसेस तो वही होने वाला है, इसलिए मैं आपको सिखा रहा हूँ, रटने का काम नहीं है, सीख जाइए कैसे बनता है। अगर आप गाड़ी चलाना सीख जाएंगे तो आपसे कोई भी गाड़ी दिया जाए, जैसे मान लीजिए आप बुलेट भी चला लेते हैं और बाकी हीरो होंडा साइन सब कुछ चला लेते हैं, तो आपसे कोई भी मॉडल देते हैं तब गाड़ी चला हमसे चल जाता है कि नहीं चल जाता है, हम लोग पैसन भी चला पाते हैं, सिर्फ क्या है गाड़ी सीखे हैं, सेम वही चीज़ है, शिक्षा भी वही चीज़ है, और हम सिर्फ प्रोसेस सीखेंगे ना बनाने के, अब यहाँ कुछ भी बदल दीजिए, कोई मॉडल चेंज कर दीजिए, हम लोग बना पाते हैं, और आप इसी आधार पर हम लोग कोई भी सवाल बनाते हैं और आंसर हम लोग परफेक्ट रहता है। तो हमको तीनों भुजाएं पता होगी, अब जो पूछा गया उसका मान बताते हैं, साइन का मान पूछा है, साइन का सूत्र क्या होता है P/H, तो पी के मान चेक कीजिए, पी के मान क्या है, पी के मान आ गया था √7, तो √7K, एच बी के मान चेक कीजिए, बी का हम लोग क्या था √3K था, के से के कट जाएगा √7/3 आंसर हो गया, ये 10 का था, साइन का सूत्र था इतना, इसमें भी कैसे कट जाएगा 7/4 आ गया, तो √7/4 और √7 दोनों अब हम लोग क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए एक और प्रश्न इसको छोड़ देते हैं, ये डिग्री वाले को बाद में एक साथ करेंगे, ठीक है ना, जो मैं Type 2 पढ़ाऊंगा उसमें करा दूंगा आपको क्लियर। चलिए एक आ गया प्रश्न आपके लिए, इसको आप खुद से बनाइएगा, ठीक है ना, मैं फिर भी इसका वीडियो दिखा देता हूँ, लेकिन आप खुद से बनाएंगे मैं वादा करता हूँ कि अब सवाल ये बन जाएगा, और बहुत बार सवाल पूछे गए हैं इस टाइप से सवाल प्रश्न को, देखिए यहाँ भी हम लोग निकाल दिए, इसमें से घटाएंगे तो क्या बचेगा 25 बचेगा, और 25 का क्या गया पी निकाल दिए, अब तीनों चीज़ पता हो गया, कट का पूछा है तो लगा दिए सूत्र B/P, तो बी के मान 12 था उधर देख लेंगे आप, और पी के मान यहाँ 5 किया है ना, तो कैसे की काटिए क्या बच गया 12/5 आंसर हो गया, इसको रहने दीजिए, 8 नंबर को रहने दीजिए, फिर आगे आपके लिए सवाल ये वाला, मैं ट्रिक सिखा रहा हूँ इसका टेंशन नहीं लेना भाई लोग, मैं आपको बहुत ज़बरदस्त ट्रिक दूंगा, ट्रिक देना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि भाई मेरे कभी कभी मान लीजिए समय नहीं है, और मान लीजिए हमारे पास 10 सेकंड 20 सेकंड 40 सेकंड समय है, 50 सेकंड 1 मिनट के लिए, और इस क्वेश्चन को बना ही देना है, तो हाँ वो ट्रिक से कर देंगे, चलिए जो भी एग्जामिनर हो, लेकिन आप बनाइएगा इसी प्रोसेस से, थोड़ा लंबा होता है
लंबा जाने दीजिए, क्योंकि दिखने में लंबा होता है लेकिन बहुत आराम से बनते चला जाता है उससे प्रश्न, इसको आपको मज़ा भी आता है बनाने में। तो चलिए इस सवाल में क्या दिया गया था, साइन ए का मान दिया गया है 5/7, तो बाकी 10 का मान पूछा है सिर्फ, ये 2017 का प्रश्न है। साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, P/H, यहाँ से P का मान पता हो गया, H का मान पता हो गया, PH पता है, B नहीं मालूम है, तो B लगा देंगे पाइथागोरस से। ये लिखना कोई ज़रूरी नहीं होता है, डायरेक्ट आप लिख दीजिएगा B बराबर, क्योंकि वो सूत्र ही होता है पाइथागोरस का, एच स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर। तो एच का मान क्या है 7, तो 7 के स्क्वायर करेंगे और पी के स्क्वायर करेंगे तो 5 के, 49 हो जाएगा और 50 25, 49 में से 25 घटाएंगे क्या बचेगा 24 के स्क्वायर, 24 का वर्गमूल नहीं होता है, तो अब इसको वर्गमूल में, इसको प्राइम फैक्टर में तोड़िए तो क्या आएगा 2√6। ये कैसे आता है मैं बताता हूँ, यहाँ पे देखिए थोड़ा एक जब इसे बनाया हो ना तो इसमें मेरे को तो कम से कम 3-4 घंटे लग गए थे पूरा सब क्वेश्चन को ढूंढने के लिए, सिर्फ सबको ढूंढिए इसमें क्या बताया हूँ 24 के वर्गमूल कैसे निकालेंगे आप। अब प्राइम फैक्टर में तोड़ देंगे तो हो जाएगा काम आपका, लेकिन फिर बताता हूँ 12 बार में कट जाएगा दूसरे, फिर दूसरे भाग मारेंगे 6 बार में कट जाएगा, दूसरे भाग मारेंगे 3 बार में कट जाएगा। अब क्या हो गया इसका, देखिए क्या क्या आया, 2-3 आया आपके लिए, तो इसमें ले जाइए रूट में, 1-3 आया है आपका, मिला लीजिए 2×2=4, 4×2=8, 8×3=24। आप 24 को ऐसे भी लिख सकते हैं ना रूट में तोड़ तोड़ के छोटे छोटे भागों में। अब वर्गमूल का नियम जब आपने वर्गमूल सीखा हुआ तो पता बताया हुआ कि पेयर में से निकाला जाता है, इसका पेयर लग रहा है, इन दोनों का पेयर नहीं लग रहा है, तो जिसका पेयर लगता है तो उसमें से एक संख्या बाहर होती है, तो 2 बाहर हो गया। किन का पेयर नहीं लग पाया, इन दोनों का भाई कोई जरूरत नहीं है, तो इनमें मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2×3 क्या हो जाएगा 6, यानी 24 का वर्गमूल क्या होता है 2√6 होता है। तो हमने फाइनली निकाल लिया बी का मान क्या आ गया हमारा 2√6 के। अब हमको पी बी एच तीनों पता हो गया, यानी लंब आधार कर्ण पता हो गया, और दुनिया में कोई पैदा नहीं कि हमको टेन का मान निकालने से रोक दे, कि टेन का सूत्र होता है क्या P/B यानी लंब बटा आधार। तो पी का मान क्या आया हमारा 5 के माना था हमने, और बी क्या आ गया हमारा 2√6 के, कैसे के कट जाएगा 5 और सही रह गया और ये नहीं कट रहा है, तो यही आपका आंसर हो गया। लेकिन आपको पता है त्रिकोणमिति में बहुत बार ऑब्जेक्टिव बताते हैं, समय बताता है कि त्रिकोणमिति में कभी नीचे अपरिमेय संख्या नहीं रखते हैं। देखिए 2 तो ठीक है, लेकिन रूट में 6 क्या है, ये अपरिमेय संख्या है, तो इसको परिमेयकरण कीजिए। कैसे करते हैं मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए आपका आंसर यहाँ पे आकर रुक गया है 5/2√6। आप कभी भी इसको आंसर मत बोलिएगा त्रिकोणमिति में, खासकर बाकी चीज़ में कर सकते हैं लेकिन त्रिकोणमिति में नहीं, क्योंकि त्रिकोणमिति में नीचे आप कभी अपरिमेय संख्या नहीं छोड़ना इसको। इसको आप क्या क्या लीजिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं रेशनलाइजेशन करेंगे, परिमेयकरण करेंगे, क्या करेंगे परिमेयकरण। परिमेयकरण किसे कहते हैं, जब बट्टे में हर की संख्याओं में अपरिमेय संख्या आ जाए उसको परिमेय बनाने के लिए हम लोग अपरिमेय को परिमेय बनाने के लिए परिमेयकरण करते हैं। तो परिमेयकरण का फॉर्मूला होता है जो बट्टे में है ना उसी संख्या से ऊपर नीचे गुना कर दीजिए। तो चलिए एक बार अपना सवाल लिख लेते हैं, 2 ये हमारा है, अपरिमेय को परिमेयकरण करने के लिए हम लोग उसी संख्या से ऊपर नीचे अंश और हर में गुना कर देते हैं, यानी 5√6 से अंश में गुना और 5√6 से फिर हर में गुना, 50 क्या हो जाएगा 25, 50 √6। अब देखिए नीचे क्या हुआ, 2×5=10, 2×5=10, 6 में 6 से गुना होगा भाई मेरे, सिर्फ 6 होगा, आपको भी पता होगा क्योंकि 6 में 6 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 36, और रूट में 36, और 36 का वर्गमूल क्या होता है 6, इसीलिए इसमें गुना करते ही नहीं है। जब भी आपसे कोई पूछेगा कि 7 में 7 से गुना होगा तो क्या होगा, आप आँख बंद के बोलेगा सिर्फ 7 होगा, कोई नहीं, क्योंकि आप गुना में करेंगे 49 आएगा, फिर 49 का वर्गमूल वापस आता आएगा, इसीलिए याद रखिएगा एक जैसी संख्या हो और वर्गमूल में हो उनसे गुना करने के लिए बजाय तो उसमें से एक संख्या को ले लीजिएगा। अब इसको क्या कीजिए, इसको आप काटिए, देखिए हम लोग मिस्टेक कर रहे हैं, हम लोग गुना क्या करना था 2√6 से, हमने यहाँ कर दिया 5√6 से कर दिया, ये थोड़ा समय इसको सुधार लेंगे हम लोग। चलिए परिमेयकरण में क्या करता है, जो संख्या बट्टे में है उसी से अंश और हर में गुना, 2×5 क्या हो जाएगा हमारा 10 हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा, कोई बात नहीं हमने समझ लिया। और ये क्या होगा, 2×2=4 कितना हो जाएगा, 2×2=4 और 6 का 6 से हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आप कैंसिल आउट कर लीजिए, 10 और 4 किसके बारे में, 2 के बारे में काट दीजिए, 2×2=4 और 2×5=10 कट गया ना, ऊपर क्या बचा सिर्फ 5√6 बट्टे में क्या बच गया 2×6=12, यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि अब देखिए बट्टा में यही आंसर आया होगा। हाँ ठीक है, अब देखिए बट्टे में क्या, ऊपर अपरिमेय रहेगा चलेगा, ऊपर रहेगा चलेगा, नीचे अपरिमेय संख्या नहीं होना चाहिए, नीचे बट्टा में कोई परफेक्ट नंबर ही होना चाहिए, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। चलिए इस सवाल को देखते हैं, 2018 में पूछ लिया गया था, टेन थीटा बराबर 3/4, तो इसका मान निकालिए, कुछ नहीं सवाल हलवा है बिल्कुल, वैसे ही आप अपना है जो मान दिया गया था आपने इसका फार्मूला सेट किया P/B, अभी आपका P का मान 3 और B का मान 4, आपने K लगा दिया तो K मान लिया आपने, ये मानना चाहिए आपको, क्योंकि अब एक बाकी था इसके लिए,
एच बाकी है इसके लिए, के मानिएगा क्योंकि वो तो के से के कट ही जाना है उसको। तो अब समकोण त्रिभुज है ना आपका, क्योंकि समकोण ही बनता है, यहाँ समकोण बनता है, इसको आप समकोण कर लीजिएगा। जब भी त्रिकोणमिति बनाइएगा समकोण त्रिभुज का इस्तेमाल कीजिएगा। थीटा आपने यहाँ लिया है सी के सापेक्ष, कोई बात नहीं है। और एच का फॉर्मूला लगेगा, पाइथागोरस में कर्ण का सूत्र क्या होता है, कर्ण बराबर होता है अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो पी के मान लंब का स्क्वायर, लंब का मान कितना है, लंब का मान तीन है, तो तीन के का स्क्वायर, और बी का स्क्वायर, बी के मान चार है तो चार के का स्क्वायर, तीन तीन के नौ और चौचों का सोलह, सोलह नौ कितना है पच्चीस, पच्चीस का मान बोल पाँच, तो इसका आंसर हो जाएगा पाँच के। क्या आ गया आपका कर्ण, पाँच के, ठीक है ना, देख लीजिए यहाँ से पाँच के आ गया, क्योंकि सोलह नौ कितना हो जाएगा पच्चीस, पच्चीस का वर्गमूल क्या होता है पाँच, पाँच के हो गया। अब आपसे पूछा है इसका मान क्या होगा, तो पाँच का पाँच, पाँच का पाँच, यहाँ से ऐसे भी कर सकते हैं आप, साइन आप डायरेक्ट साइन का मान निकाल ले सकते हैं, वहाँ सेट कर दीजिएगा, साइन का मान निकाल लीजिए कितना होगा पी बटा एच, तो कितना गया तीन बटा पाँच, और एक कॉस चाहिए इसमें ना। देखिए इस सवाल में क्या है, साइन और कॉस ही है, देखिए ऊपर साइन कॉस नीचे भी साइन कॉस, यानी साइन और कॉस का मान पता कर लेते हैं। साइन का सूत्र क्या होता है पी बटा एच, तो पी का मान कितना होगा तीन, पी का मान दिया है तीन के, और एच क्या है हमारा पाँच के, कैसे के कट जाएगा कितना बचेगा, साइन का मान आ गया तीन बटा पाँच, कॉस का निकाल लेते हैं सूत्र होता है आधार बटा कर्ण यानी बी बटा एच, आधार का मान क्या है चार के, और एच का कर्ण क्या है पाँच के, तो केस के कट गया क्या बजा चार बटा पाँच। अब हमारा साइन का मान पता हो गया तीन बटा पाँच, और कॉस का मान क्या हो गया चार बटा पाँच, सिर्फ सेट कर देते हैं, पाँच के पास साइन का मान क्या है तीन बटा पाँच, माइनस का माइनस, कॉस का मान क्या है चार बटा पाँच, सेम वही सवाल सिर्फ नीचे प्लस है तो प्लस दे दिया, पाँच से पाँच कट गए और यहाँ नहीं कटा, तो चार तीन बारह हो जाएगा, क्या हो जाएगा चार तीन बारह, और ये क्या हुआ तीन बच गया तीन, और ये चार तीन बारह और बटे में पाँच, और यहाँ देखिए तीन तीन हो गया तीन, और ये प्लस के प्लस, और चार तीन बारह बटा पाँच, इसको बटा के जोर बना लीजिए, बटा जीरो को तो बनाने आता ही है, खाली गुना कीजिए करो उसमें पाँच तीन पंद्रह माइनस बारह, आप यहाँ एक लेके भी बना सकते हैं तो बात वही पड़ेगा, एक और पाँच कैल्शियम क्या होगा पाँच, एक के पारा पाँच पाँच बार में तो बनती है पंद्रह, पाँच के पारा पाँच एक बार में, एक में बारह से गुना कीजिए बारह, बट्टे में एल्शियम कितना है पाँच, सेम वही कम कीजिए, यहाँ पर खासी प्लस का अंतर है, बारह में से पाँच जाएगा कितना होगा बारह में से पंद्रह में से बारह के क्या बचेगा तीन, बट्टे में पाँच, यहाँ जोड़ना है पंद्रह बारह क्या हो जाएगा सत्ताईस बट्टे में पाँच, ये बट भिन्न का भाग है, इसको सॉल्व कर दीजिए, तो भाग कैसे बनाते हैं, जो बट्टे की संख्या उसको गुना में ले जाते हैं, भाग को गुना बदलते हैं, तो तीन बट्टा पाँच नहीं रहेगा, ये भाग जो है चिन्ह इसको हमने क्या किया गुना में बदला, पाँच ऊपर जाएगा सत्ताईस नीचेगा, पाँच से पाँच कटेगा और तीन नौ सत्ताईस, तो ऊपर एक बचा नीचे नौ, आपका आंसर हो गया ये, इस सवाल को बना लीजिएगा, ठीक है ना, ये आपके लिए छोड़ रहा हूँ, फिर भी आप यहाँ से देख लीजिएगा स्क्रीन पे, लेकिन आप ईमानदारी से काम कीजिएगा दोस्त, मेरे भाई जो अब मेरे एक छोटे भाई के समान है आप, चाहे मैं आपको भाई ही मानता हूँ, चलिए दोस्त या भाई, तो आप मेरे इस बात को मानिएगा, पहले इस क्वेश्चन को आप लिखिए, ठीक है, ईमानदारी से अपने से बनाइए, अगर आपसे नहीं बनता है ना तो आप बाकी जो प्रोसेस बनाए हैं इसको आप ध्यान दीजिएगा, 100% बोलता हूँ आप बना लेंगे इस सवाल को, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं, ये वाला है, ये भी 2019 में शायद, हाँ 19 में पूछा गया है, सेम वही सवाल है, देखिए ना सेम यही सवाल है। अब कोई बच्चा का घर में आकर बोलता है ना कि हम जो सर सर हम जो हमने सर कोचिंग वाले सर पढ़ाए थे, जी हाँ भी पढ़ते हैं आप, उनको बोलेंगे कि सर ने पढ़ाया तो उससे सवाल नहीं पूछा गया था। तो देखिए क्या होता है, आपने इसको पढ़ा ना और इसमें यहाँ पढ़ा, तो इसमें आप ही बताइए कोई अंतर है क्या है, पाँच की जगह पर तीन लिखा गया है, कहीं दो लिखा गया है, तो यही ना एग्जामिनर करेगा कहीं तीन पाँच बदलेगा, तो हमको ये सब आता नहीं है, तीन है तो तीन लिखेंगे, पाँच था तो पाँच लिखेंगे, और गुना भाग तो हमको आता ही है, कुछ भी लिख ले वो बना लेंगे हम, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ से भी ऐसे कर लेंगे, अब इसको यहाँ आपका एच माना जाएगा कितना पाँच के, अब आपको तीनों चीज़ पता हो गया, पी भी तो क्वेश्चन में ही दिया गया था, एच हमने निकाल दिया पाँच के, अब आपको क्या पूछा है इसको, तो इसको मान मार देते हैं, मैं इसका ट्रिक बताता हूँ किस ऐसी ट्रिक से आप कैसे बनाएंगे बाद में, पहले इन सबको देख लीजिए बेसिक से। चलिए आपने क्या किया, साइन का मान निकाल लिया, साइन का सूत्र क्या होता है पी बटा एच, तो साइन का मान इतना आ गया, और कॉस का भी मान निकाल लिया तीन बटा पाँच गया। अब आपसे इसको पूछा था ना, सेट कर दीजिए तीन का तीन, साइन का मान आपने निकाल लिया चार बटा पाँच, प्लस का प्लस, दो का दो, कॉस का मान निकाला आपने कितना है, कॉस का मान तीन बटा पाँच, बस गुना भाग तो है बटा का, कहीं गुना है कहीं जोर है, बस इसको सिंप्लीफाई कीजिए, चार तीन बारह बंटे भिन्न में पाँच हो गया, द्वितीय छः बट्टे में क्या है पाँच, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो तीन चौका बारह बट्टे में पाँच, और माइनस का माइनस द्वितीय छः बट्टे में पाँच हो गया। अब ऊपर भिन्न का जोर बनाना है, नीचे भिन्न घटाव बनाना है, क्या हो जाएगा, अगर हर बराबर है तो क्या कर दे, इसको भिन्न एलसीएम कोई करने की जरूरत नहीं, अगर दोनों इसका हर पाँच है इसका भी हर पाँच है तो और जोड़ने का तो जोड़ दीजिए, बारह छः क्या हो गया अठारह, और एलसीएम पाँच ही आएगा, यहाँ भी हर बराबर है और घटाने के लिए बोलता है घटाइए, बारह में छः गया छः छः, अभी बटा का भी ना इसको बदल दीजिए, क्या होगा पलटे का मान पाँच ऊपर जाएगा गुना के चिन्ह में और छः नीचे आएगा, पाँच से पाँच कटेगा और छः से अठारह कितना बार में कटेगा तीन बार में, सिर्फ इसका आंसर तीन आ गया, आपने मान ज्ञात कर लिया, सेम ये सभी क्वेश्चन ये भी है,
इसको बना लेंगे। देखिए बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं, इसके लिए मैं थोड़ा वीडियो को फास्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि थोड़ा अभी डाटा बचेगा तो आज के फिर संस्कृत की एक वीडियो और दे दूंगा आपको, तो आपके लिए बेनिफिट हो जाएगा। क्योंकि संस्कृत मैं बोला हूँ आपको 90+ तो 90+, मैथ बोला हूँ आपको 90+ तो 90+, इसमें कोई दोहराए नहीं है, बशर्ते थोड़ा सा पहले से पढ़े हैं तो और मेरे लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि आपको रिवीजन हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं पढ़े हैं तो यहाँ सब थोड़ा जम के मेहनत कीजिएगा, आपको पूरा आ जाएगा समझ में, पूरा जीरो से बता रहा हूँ, क्योंकि हमारा पढ़ाई देखिए यहाँ पे जो बच्चे हैं ना उनको बहुत पसंद आती है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप ये ऑनलाइन देख रहे हैं तो आपको भी पसंद आना चाहिए, ठीक है, ज़बरदस्ती नहीं, लेकिन मैं पूरा कोशिश किया हूँ कि आपको समझा दूँ, पूरा आपकी खोपड़ी में सवाल को उतार दूँ, और इससे बेहतर तरीका शायद मैं और कुछ नहीं हो सकता है, पूरा बेसिक से बताया हूँ। हाँ, सूत्र में भाई कोई कंप्रोमाइज नहीं है, सूत्र से आप उसके लिए मैं माफ़ी मांगूंगा आपसे, सूत्र तो आपको याद करना है, सेम वही सवाल है, कहीं सात कहीं तीन किया है, आप बनाते जाइए, अपने से बनते जाएगा सब सवाल। मैं ये आपके लिए प्रैक्टिस समझी के लिए लाया हूँ, मैं सिर्फ आपके क्वेश्चन देकर छोड़ देता, लेकिन मैं सोचा कि नहीं अब समय कम है, सॉल्यूशन भी साथ में दिखा देता हूँ, कि मान लीजिए कहीं कहीं क्वेश्चन फंस गया तो आपके पास में थोड़ी ना सर हैं बैठे हूँ कि आप पूछ लेंगे हमसे, आप कहीं और हैं हम कहीं और हैं, तो वीडियो को देख लेंगे। लेकिन आप एक बार अपने से ईमानदारी से बनाएंगे, आपको अपने आप को जांचिए कि आपसे बनता है कि नहीं बनता है तो फिर वीडियो को आगे बढ़ा के इसको करिएगा, और इसको इतना बार बनाइए क्वेश्चन को। लेकिन मैथ का मैं बताता हूँ कि मैथ में आपको राजा बनना है तो क्या कीजिएगा, मान लीजिए क्वेश्चन हो गया, आपने इसको एक बार बनाया, आप एक ऐसा बोर्ड रखिए, एग्जाम पैड आता है ना जो प्लाई वाला थी, इस पर जो मार्कर चलता है इसको रखिए, जो उस क्वेश्चन आपको पढ़ गए ना उसको मैं बोलता हूँ, आप माँ सरस्वती की कसम बोलता हूँ, क्योंकि कसम देना ज़रूरी है आपको, मैं माँ सरस्वती कसम से बोलता हूँ कि आप एक क्वेश्चन को 10-10 बार बनाइए, देखिए आपको याद हो जाता है कि नहीं होता है। मैथ क्या है, मैथ का मतलब आप जब भी पढ़ते होंगे वहाँ लिखा जाता है प्रश्नावली, पहले इसको समझिए क्यों लिखा जाता है। आप कभी इंग्लिश में पढ़ते हैं तो क्या लिखा जाता है, एक्सरसाइज का हिंदी आप पढ़ते होंगे तो क्या होता है, व्यायाम होता है, यानी अभ्यास होता है, क्या होता है, अभ्यास। आप एक क्वेश्चन को इतना बार अभ्यास कीजिए, 10 बार 15 बार इतना बार बनाइए, देखिए आपको याद हो जाता होगा। अब आप बात कीजिए हम लोग जैसे पढ़ाते हैं सर लोग, तो आपको उनको कैसे याद होता है, देखिए क्या होता है ना, हम लोग इतना बार उसको पहले देखिए, जब मैं पढ़ा था मैं बहुत बार सवाल को बनाया था, ठीक है ना, अब फिर पढ़ाते रहता हूँ, हर दिन क्वेश्चन को बनाने को मिल जाता है, एक बार कभी आपको पढ़ाया कभी किसी और को पढ़ाया, तो क्वेश्चन बनाते बनाते हम लोग इतना हो जाता है कि वो सारे सवाल दिमाग में रहते हैं। तो अभी हम जैसे सर होते हैं, क्योंकि हम लोग भी एक विद्यार्थी हैं, डेली सवाल को बनाते हैं तभी याद है, और हम सवाल को बनाना छोड़ देंगे ना 2-4 साल 10 साल तक, तो बहुत सारे बातें हम लोग भूलना चालू कर देंगे। मैं अपने इतिहास बताऊं कि मैं पहले 2007 में कोचिंग चालू किया था, 7 में 8 में 9 में 10 में 11 में चला के मैं फिर बाहर किसी और जॉब में चला गया था, 4 साल 2011 में चला गया था। अब 2020 से फिर चालू किया हूँ, कोरोना कब से आया था, कोरोना से फिर घर पे आ गया, फिर बच्चे लोग बोले सर पढ़ाइए तो फिर मैं चालू किया हूँ। अब माँ सरस्वती की शायद कोई देन है, कोई लिखा हुआ था उनसे, नहीं तो मैं बाहर में भी जॉब करता था, अच्छा पैसा कमाता था, लेकिन फिर अब कोरोना में आया तो फंस गया था, फिर कोई साधन नहीं था, मैं बोलो बैठे बैठे क्या करते हैं, पढ़ाता हूँ। अब बच्चे छोड़ नहीं रहे थे, बोलते कि नहीं आप पढ़ा रहे तो अब हमको पढ़ा के ही जाइए, अब उनके चक्कर में रुक गया, तो फिर अब मनसा लग गया, आप लोग से जुड़ाव सा हो गया है, तो आपके लिए सब कुछ समर्पित है। तो मैं वही अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि बहुत पुराना एक्सपीरियंस है, इसको आप फ़ायदा उठाएंगे। अब बहुत सारा मैथ में सिर्फ आप क्या क्या बनाते रहिए सवाल को, बाकी विषय को आप पढ़िए, एक बार नोट्स बना लीजिए, पढ़िए, जैसे मैं आपको हिंदी के पढ़ाया हूँ तो एक बार वीडियो को क्या करना है आपको देख लेना है, उसके नोट्स बना के सिर्फ आपको कभी कभी पढ़ते रहना है। मैथ में पढ़ना नहीं है, आपको उसको बार बार बनाना है। तो कितना क्वेश्चन लिया हूँ मैं आपके लिए यहाँ तक, कि आपको ये एक सवाल ये था और ये आखिरी सवाल था, और देखता हूँ इस टाइप का सवाल है कोई तो बनवा देता हूँ। हाँ, एक ही सवाल है, थोड़ा सा नया है लेकिन कुछ नहीं, सवाल में दम नहीं है। देखिए एक ही सवाल था, बोलता है 10 का मान इतना है तो उसका मान बताइए। देखिए इसे ट्रिक से बना लीजिएगा, 10 का मान क्या दिया है, ए बटा बी। आप 10 को इससे भी बना सकते थे पी बटा बी लिख के, लेकिन 10 का आप देखिए यहाँ क्या है, साइन और कॉस के रूप में सवाल पूछ रहा है ना। अब 10 का मैंने फार्मूला आपको क्या दिखाया था, साइन बटा कॉस होता है, क्या होता है, साइन बटा कॉस, ऐसा लिख सकते हैं। एक मिनट आपको मैं सूत्र दिखा देता हूँ, देखिए 10 को आप याद रखेंगे क्या होता है, साइन बटा कॉस, और इसी को उल्टा लिख देना, कॉस बटा साइन, तो एक कॉट का सूत्र होता है, ठीक है ना। इसलिए मैं बताऊँ सूत्र को बार बार याद कीजिए, इसलिए मैं वीडियो में जब भी बनाता हूँ तो आपको सूत्र एक बार दिखा देता हूँ कि आप एक बार देखेंगे तो देखने से भी कुछ याद होती है। आप भी इसको एक बार ऐसा पेज बना के सदा पेज में लिख के जहाँ सोते हैं वहाँ टांग दीजिए, और बार बार इसको डेली एक बार लिखिए, इसको सूत्र एक बार रटिए मत, पढ़ाई रटने के चाहिए इसको, इतना बार लिखिए ना कि दिमाग में इसका फोटो बन जाए, तस्वीर बन जाए, क्योंकि एक बार तस्वीर बन जाएगा ना वो भूलेंगे नहीं, और रटेंगे ना तो हो सकता है कि भूल जाएंगे आप। तो पढ़ाई रटने की चीज़ नहीं होती है, समझने की चीज़ होती है, उसको बार बार लिखिए, लिखते लिखते याद हो जाएगा वो।
खासकर इसको तो आप एकदम सेट ही कर लीजिए, यहाँ से ऑब्जेक्टिव में तो क्वेश्चन रहता ही रहता है। और इसके मैंने सवाल अब जो टाइप टू हम पढ़ेंगे ना, इसका महत्व तो रहेगा। इसके लिए आपको होमवर्क मैं दे रहा हूँ, इसको आप आज याद करेंगे। कल मैं या परसों जब दूसरा सीरीज लाऊंगा त्रिकोणमिति का, तो उसमें डिग्री से रिलेशन क्वेश्चन वाले होंगे। डिग्री से रिलेटेड जितने क्वेश्चन होंगे उसमें हम लोग डील करेंगे। आज हमने क्या पढ़ा, सिर्फ इस लेवल के सवाल को, ये टाइप वन था मेरा। टाइप टू में हम लोग इससे जितने क्वेश्चन पूछते हैं वो करेंगे। टाइप थ्री में फाइनल मैं खत्म कर दूंगा किसको, जो सिद्ध करने के लिए सवाल पूछते हैं, जो पाँच पाँच नंबर वाले होते हैं सब्जेक्ट लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन, उसको खत्म कर देंगे। तीन बार मैं त्रिकोणमिति खत्म कर दूंगा। और मैं यहाँ से लिख के देता हूँ कि आपसे एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा, ये मेरा वादा है, ठीक है ना। तो टेन का हमने फार्मूला क्या लिख दिया, साइन बटा कॉस, ठीक है ना। और उसका मान क्या दिया गया क्वेश्चन में, ए बटा बी। अब यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, ये जो होगा ना ये साइन का मान हो गया। किसका मान हो गया, साइन का मान हो गया। देखिए मैं बता रहा हूँ किसका क्या फ़ायदा हुआ, इसी को मैं बोलता था ट्रिक है ये। एक ये ट्रिक नहीं है, दूसरा तरीका होता है बनाने का, और लेकिन इससे ज़्यादा बनाना नहीं चाहिए सवाल को आपको, लेकिन ये इमरजेंसी के लिए है। सब ऑब्जेक्टिव होना तो यही ट्रिक से बनाइएगा, इस टाइप के सवाल ऑब्जेक्टिव पूछ ले जाए तो इसी टेक्निक को अपनाइएगा, क्योंकि इसमें सवाल बहुत जल्दी बन जाते हैं। मैं एक और क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको, ये साइन का मान हो गया, कॉस का मान हो गया, लिख दिया। साइन का मान ए हो गया, साइन का मान क्या हो गया, ए लिख दिया, और कॉस का मान क्या हो गया, बी हो गया। अब आपसे पूछा यही तो कर दीजिए, देखिए ये पूछा ना, ए का ए हो गया, साइन का मान क्या आया है, साइन का मान ए आया है, तो हमने ए लिख दिया। माइनस का माइनस, बी का बी, कॉस का मान क्या आया है, कॉस का मान बी आया है, तो बी लिख दिया। ए का फिर ए लिखे, ये बटा था तो बटा लगा दिए। साइन का मान क्या आया है, हमारा ए आया है, तो और ये इंटू में है, गुना में है भाई, ध्यान देंगे। कोई पर सूत्र कोई चीज़ नहीं है तो गुना में होता है, प्लस का प्लस, बी का बी लिख दिया, और बी गुना कॉस है तो गुना कॉस का कॉस ना लिखें, कॉस का मान लिख देंगे। कॉस का मान क्या है, बी आया है। ए में से गुना करेंगे ए स्क्वायर, माइनस का माइनस, बी में गुना बी स्क्वायर। ए में से गुना करेंगे ए स्क्वायर, बी में बी से गुना करेंगे बी स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। इस टाइप से आपके सारे सवाल खत्म हो जाते हैं। ये क्वेश्चन है, इसको भी बना लेंगे आप, और इस टाइप के सवाल तो बना ही लिए हैं लगभग आप। थोड़ा इधर उधर अंतर था, दो तीन संख्या का अंतर था, बाकी इस टाइप के सवाल बहुत मिले हैं आपको, ठीक है। फिर भी देख लीजिए एक बार, क्योंकि पूछे गए हैं तो इम्पोर्टेंट है। ये सर 2021 में सवाल पूछे गए हैं। चलिए एक और प्रश्न था, इसको भी देख लीजिए। हाँ, इसका तो पहले क्लियर देख लीजिए, यहाँ तक आया। अब इसको जो सॉल्व करेंगे तो ऐसा हो गया। इसी क्वेश्चन को आप ट्रिक से बना, मैं लिखा हूँ कि ट्रिक से बना लें। कैसे बना लेंगे ट्रिक से, मैं दिखाता हूँ आपको अंत में। देखिए यहीं पे दिखा रहा हूँ, ये देखिए कितना लंबा था ना, लेकिन लंबा नाम के लिए है। आपको देखिए बनाना भी चाहिए, एग्जाम में तो बहुत सारे पेज मिलते हैं, पेज भरना भी तो चाहिए ना भाई। आप मान लीजिए पेज खाली छोड़ गए तो क्या फ़ायदा है आपको, वहाँ पेज का टेंशन है नहीं है। और ये देखिए देखने के लिए लंबे लगते हैं प्रोसेस, बहुत मज़ा आता है बनाने में, इसको बहुत मज़ा आता है मैथ बनाने में। जिस तरह आपको खेलने में मज़ा आता है ना, उस तरह जब इसको समझ एक बार समझ में आपके आ गया। देखिए बच्चा में गलती होता नहीं है, जो गलती होता है शिक्षक में गलती होता है। मैं जहाँ तक मानता हूँ, हमारे सर लोग बोलते थे, गुरु बोलते थे कि बच्चे कोरे कागज़ के समान होते हैं, जो गलती होती है बच्चों में सिर्फ गुरु में माना जाता है गलती। और गुरु सही है तो बच्चा को सही करना वो गुरु का फर्ज होता है। तो जहाँ तक मेरी मानना है और जहाँ तक हमारे गुरु ने बताया है कि कोई बच्चा फेल नहीं होता है, एक सिस्टम फेल हो जाती है, एक बोर्ड फेल हो जाता है, और जो जो उसको पढ़ाया है वो गुरु फेल होता है, ना कि बच्चा फेल होता है। बच्चे में कुछ कमी है तो उसको दूर कीजिए। बच्चे को देखिए, बच्चे को पढ़ाई मन लगता क्यों नहीं, उसको समझ में नहीं आता है। मैं अपना बताऊँ, देखिए मैं भी बताऊँ, जो कुछ क्वेश्चन नहीं बताता ना तो मैं उसमें तकता ही नहीं था भाई, बेकार है सलाई, मैं तकता ही नहीं था उस क्वेश्चन पर, कभी देखता ही नहीं था। वही क्वेश्चन जिस दिन समझ में आता था ना, तो उसको मैं खूब बनाता था, बार बहुत इच्छा होती थी बनाने की। ऐसा ही भी आपका होता होगा, इसीलिए मैंने क्या किया था, एक सारे टाइप को जितने क्वेश्चन है उसको ढूंढा। इसमें देखिए आपको मज़ा क्या आएगा, आपने एक सीखा ना तब से दूसरा बन जाएगा और आपका दिल खुश हो जाएगा, फिर आपको इच्छा होगी चलो एक और बनाते हैं। इसलिए मैंने एक टाइप के सारे क्वेश्चन को बहुत सारा मेहनत करके ढूंढ के निकाला हूँ। इस मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है और शेयर तो बहुत बनता है। और यहाँ से मैं बताता हूँ, जिस बच्चे कुछ नहीं आता ना उसको आप जरूर वीडियो उसको दिखाइएगा, और वो क्वेश्चन को ना बना देना दोबारा। सिर्फ देखिए मैं क्या आना चाहिए, इस देखिए पहरा तो 20 तक आना चाहिए, इतना तो मेरे लिए आप करेंगे, 20 तक पहरा आपको आना चाहिए। बट्टा देखिए, जोर घटाओ गुना भाग और बट्टे का जोर, ठीक इतना आना चाहिए भाई। ऐसे और एलसीएम तो सीख ही जाएंगे आप, एलसीएम तो बट्टे के जोर में ही आता है, ऐसे तो बट्टा भाग से बन जाता है, यानी जोर घटाओ गुना भाग एलसीएम और ऐसे ये इतना आना चाहिए। तो मैं बाकी मैं बताता हूँ आपको, मैं 10वीं कक्षा तक के सारे 10वीं कक्षा तक मैं वीडियो मैथ बनाने सिखाता हूँ। मैं बोलता हूँ जो कोई बचाता है मैं पर पढ़ने, मैं बोलता हूँ सिर्फ आपको क्या क्या आता है, जो नहीं आता बताइए। मैं देखिए आपको मैं गुना भाग भी सिखा सकता हूँ और सिखा दूंगा, लेकिन अब ऑनलाइन में संभव नहीं है, ऑनलाइन में सब पढ़ेंगे चीज़ तो बहुत थोड़ा टाइम लग जाएगा और उतना हमारे पास समय नहीं है। हम लोग एग्जाम देने वाले हैं, तो अब कोई बच्चा, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको नहीं आता है, तो अपने कोई घर में कोई पास बच्चा है, कोई लड़का है, बड़ा भाई है, उनसे आप पूछ के सीख लीजिएगा सबको, क्योंकि आपको बट्टा का जोर, बट्टा का घटाव, बट्टा गुना आना चाहिए, इतना तो आना चाहिए आपको।
चलिए मैं आपको बता दूँ इसका ट्रिक से कैसे बना रहे थे हम लोग। आज लगता है मैं वीडियो नहीं दे पाऊँगा आपका दूसरे का, किसी में वीडियो मेरे बहुत सारे डाटा लग जाएंगे। यही सवाल था, देखिए कैसे ट्रिक से बनाएंगे आप इसको एग्जाम में। एक और विधि आपके पास, आपको दिया है कि 4 tan θ इज इक्वल टू 5। आप यहाँ से tan θ बाहर करेंगे, अगर tan θ बाहर करेंगे तो 5 तो यहाँ तो पहले से था। जब आप ये बात याद रखेंगे, अब या रखेंगे अब ये 4 कहाँ है, गुना में है। आपने आपको सिर्फ tan से मतलब है, आप इसको बाहर कर रहे हैं तो याद रखिएगा जब गुना में है ना तो अगली संख्या के भाग में जाएगा। क्लियर। अब tan का सूत्र लगा दीजिए, क्या होता है sin θ बट्टा में क्या होता है इसका सूत्र cos θ। देखिए इससे फ़ायदा क्या हुआ, 5/4 ये तो दी गई है, गिवन है। हम मैं इंग्लिश मीडियम में भी आपको पढ़ा सकता हूँ, क्योंकि हम इंग्लिश मीडियम में बच्चे को पढ़ाता था CBSE वाले को, तो इंग्लिश मीडियम में आपको पढ़ा सकता हूँ और यहाँ ऑफलाइन पढ़ाता हूँ उनको, क्योंकि आपको जरूरी है इंग्लिश में थोड़ा मैं जानिएगा, क्योंकि आने वाला फ्यूचर जो इसके बाद एलेवेंथ में आपको जरूरत होगा। ये किसका मान हो गया साइन का, साइन का मान कितना हो गया 5, कॉस का मान कितना हो गया 4, याद रहेगा ना आपको, लिख दूँ, चल लिख देता हूँ। जब इतना मेहनत की तब कहेगा थोड़ा शर्माना, साइन का मान क्या हो गया 5, कॉस का मान क्या हो गया भाई मेरे, कॉस का थीटा का मान हो गया 4, हो गया ना। अब देखिए ना जो पूछा है उसी का मान निकाल लेते हैं डायरेक्ट। आपसे पूछा है 5 cos θ, क्या पूछा है 5 गुना में, देखिए क्या है 5 गुना में क्या है कॉस, याद रखिएगा। आपसे कोई पूछे ना कि ऐसे लिखा गया है 5 cos, तो इसका मतलब कि 5 cos में गुना है, गुना के रिलेशन में संबंध में वो, तो 5 के 5 कॉस का मान सेट कीजिए, कॉस का मान 4। क्लियर। अब देखिए सवाल पता किए, माइनस है तो माइनस लगा दिया यहाँ पर मैंने, थोड़ा वीडियो ऐसे करता हूँ कि आपको दिख जाएगा दूर से ही, ठीक है। बहुत मेहनत करते थे, हाथ से वीडियो बनाना पड़ता है, कभी वीडियो मोबाइल पकड़ रहा हूँ दूसरे से बना रहा हूँ, इतना तकलीफ उठाता हूँ आपके लिए, खड़े होकर कब से बना रहा हूँ। तो इसके लिए आपको एक लाइक देना चाहिए और सब्सक्राइबर बढ़ाने में थोड़ा मदद करना चाहिए आपको अपने बड़े भाई का। 3 का 3 हो गया साइन थीटा, देखिए साइन थीटा, तो साइन का मान कितना आया है 5, 5 करेंगे आप, बट्टा में है ना तो बट्टा में आइए, कॉस थीटा, कॉस थीटा का मान क्या है 4 प्लस 2 sin θ प्लस 2 sin θ, साइन थीटा का मान क्या है 5। क्लियर हो गया ना। अब बस गुना किसको नहीं आता है, 5 का 20, 3 5 15, 4 4 का 4 और 2 5 10, 20 में से 15 माइनस कीजिए 5 बचेगा, 4 10 कितना होगा 14, 5/4 कितना आया 14। यहाँ चेक करते हैं कि क्या आंसर आया है, देखिए भले लंबा गया है उससे मतलब नहीं मेरे दोस्त। अब हमें सर ये विधि क्यों नहीं सिखाया हमको, क्यों ये लंबा सिखा रहे हैं, ये जरूरी है, आप इस प्रोसेस से बनाइएगा, इसमें आपका नंबर पूरे मिलते हैं इसमें। यहाँ देखिए 5/14 आया ना वही आंसर, तो है ट्रिक हमारे पास। इसलिए मैं तो आपको बोलता हूँ कि मैं आपको मैथ रटने नहीं दूंगा, आपको हीरो बना दूंगा, बादशाह बना दूंगा मैथ में आपको, ठीक है ना। तो चलिए गुड नाइट, रात के हो चुके हैं 9:40, तो आज वीडियो मैं जिसको वीडियो को अपलोड करने जा रहा हूँ। देखिए मैं यूट्यूब पर सब्सक्राइबर बनाने के लिए क्यों बोलता हूँ कि आपको आपको पता होगा कि यूट्यूब से पैसे लोग कमाते हैं, तो मैं भी आया हूँ, लेकिन हमको कोई लोभ नहीं है। और यूट्यूब से हमें कुछ पैसा होगा तो मैं कोशिश करूँगा कि वो समाज के काम में आ जाए, कहीं ना कहीं इसको मैं अच्छी जगह पर खर्च करूँगा, ठीक है। इसके लिए लेकिन अभी तो कमाना चाहिए ना, हमको लगता है कि बहुत 1-2 साल से ऊपर ही लग जाएंगे, क्योंकि 2 महीना हो गया अभी सब्सक्राइबर हम लोग कितने हैं, 120-130 के करीब में फंसे हुए हैं, 1000 तक पहुंचना है, पता नहीं कब पहुंचेंगे, कि सपना कब पूरा होगा। इसके लिए तो भाई आप ही पूरा कर सकते हैं, आपका सपना मैं पूरा करूं, आपका और मेरा सपना आप पूरा कीजिए, ठीक है ना। मिलके करते हैं, कुछ के बदले एक खुशियाँ लेते हैं तो खुशियाँ देते भी हैं, ठीक है ना। मैं आपको खुशी दे रहा हूँ तो आप भी हमें खुशी दीजिए, वो खुशी हमें कैसे मिलेगी, आप सब्सक्राइबर बढ़ाने में मदद कीजिए। जब भी किसी के घर में जितने आसपास मोबाइल हैं, कोई मान लीजिए नहीं चलाने आता है, तो उनके पहले आप खुद जगह सब्सक्राइब कर दीजिए, 10 सेकंड का काम है। एक बार यूट्यूब पर जाइएगा, भकुरा गुरुकुल आश्रम सर्च मारिएगा, पहला पेज पे आएगा, सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके छोड़ दीजिएगा, इतना मेरे लिए कीजिए कभी कभी। बाकी जो समझदार हैं उनके लिए सिर्फ लिंक शेयर कर देंगे तो लोग कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू, लव यू सो मच, आपके लिए बहुत बहुत प्यार और माँ सरस्वती की कृपा पे बने रहे, ये मेरी उनसे बहुत विनम्र थी आग्रह है, माँ सरस्वती से मेरी विनम्रता है कि जिस तरह माँ सरस्वती ने हमें ज्ञान दिया आपको भी दे, कि आप भी किसी फ्यूचर में आने वाले समय को दें। क्योंकि देखिए हम हैं, कल मर जाएंगे, नहीं रहेंगे, तो गुरु तो होना जरूरी है, तो आप ही में से फिर कोई बनेगा गुरु, क्योंकि सिर्फ चलते आइए, कोई ऐसा मतलब कोई सोचे कि मैं ही गुरु रह जाऊँ और कोई दूसरा गुरु अपना बने, तो फिर शिक्षा फिर सिस्टम में संसार का शिक्षा का संचार कैसे होगा। तो ऐसा एक गुरु को ऐसा नहीं पढ़ाना चाहिए, बच्चे को नहीं पढ़ाना चाहिए कि वो गुरु बन जाएगा तो फिर मेरा रोजी रोटी खत्म हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। और भगवान ने भेजा है तो रोजी रोटी वो देगा ही देगा, और हाथ पर है, मेहनत करेंगे तो कहीं ना कहीं कमाएंगे। अब मैं ऐसा पढ़ाता हूँ कि कोई बच्चा फिर अगले में किसी को पढ़ा दे वो, ठीक है ना। तो थैंक यू, लव यू सो मच,
बाय बाय, गुड नाइट।